केकड़ी के रहने वाले दुष्कर्म की पीड़िता आज एक बार फिर अजमेर एसपी को राष्ट्रजीत से न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि केकड़ी के ही रहने वाले चार लोगों ने उनका रास्ता रोक अपहरण कर चित्तौड़ ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले को लेकर केकड़ी में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, लेकिन पिछले लंबे समय से वह न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई। ऐसे में आज एक बार फिर वह अजमेर एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने एसपी से शिकायत कर चारों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या वारदात हुई थी आपके साथ और आज किससे मिलने आए? मैं आज एसपी साहब से मिलने आई हूं, और मेरे साथ भूत गैंगरेप की घटना हुई है केकड़ी में। हमारे मतलब प्रकाश साहू है, मोहन मीणा और वो सोनक साहू और एक बिलवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र पंडित, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है। मैंने उनके खिलाफ FIR भी करवाई, पर वो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने केकड़ी में हमारे राजेश वर्मा सर है, उन्होंने उनसे पैसा खा लिया और वो चाहते हैं कि ये फाइल यहीं ख़त्म हो जाए, ये केस यहीं ख़त्म हो जाए, और उन लोगों ने पैसे ले लिए। मुझे उन लोगों को सजा दिलवानी है। मैं यहाँ आई, सर ने बताया कि कल दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होगी, उसके बाद में जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। क्या वारदात हुई थी, किस तरीके से आपके बेला फुसलाया? हमें पापा की दुख में आ रही थी वट्टा कॉलोनी से, हमारे वहाँ दुकान से, तो उन लोगों ने जबरदस्ती मारूल टल्टो में से मेरा हाथ पकड़ के मुझे उसमें धकेल दिया और मेरा मुंह दबा कर मुझे बेहोश कर दिया। मेरे साथ गंदा काम किया उन लोगों ने और मुझे एक रूम में बंद रखा चित्तौड़ में। अच्छा, कौन कौन लोग थे? प्रकाश साहू, मोहन मीणा, रौनक साहू और सुरेंद्र पंडित। मामला दर्ज कराया था आपने? हाँ सर, कब से करवा दिया मामला दर्ज? नहीं। आज किससे मिलना है? यहाँ SP सर से मिलने आए आज तो। अच्छा, उन लोगों ने उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दोनों पक्षों की बात सुनकर फिर आगे जो भी फैसला होगा फिर वो करेंगे। मैं कल वापस मिलने से तैयार हूँ।